हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ब्लॉक टेनमेंट टेक में, और मैं हूं आपका दोस्त विजय। तो गाइज, आज की वीडियो आप सभी के लिए खास होने वाली है। जो लोग भी इंस्टा या किसी अदर शॉर्ट वीडियो ऐप पे वीडियोज बनाते हैं, जैसे कि आप लोगों ने कुछ दिन पहले इंस्टा पे देखा होगा कि फ्लैश वार्निंग टाइप का एक इफेक्ट आता है, तो हम इसे कैसे बनाते हैं, कैसे एडिट करते हैं, उसको मैं आज इस वीडियो में दिखाने जा रहा हूं। तो मेरे वीडियो के साथ बने रहें, और प्लीज़ अगर सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना गाइज। इस वीडियो को शुरू करते हैं गाइज। हम काइने मास्टर को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम प्लस आइकन पे क्लिक करके रेशियो को चूज करते हैं। देन गाइज, मीडिया पे क्लिक करके हम जो वीडियो शूट करके रखे हुए हैं वो हम यहाँ से ले आते हैं। तो गाइज, आपको इस प्रकार के वीडियो को शूट करनी है। शूट करने के बाद काइने मास्टर में आते हैं, और वहाँ पे हमें यहाँ पे क्या करना है, पॉज कर लेना है। पॉज करने के बाद हम इसे कैप्चर करते हैं और क्लिप को सेव कर लेंगे। तो ये क्लिप जो है सेव हो चुकी है। देन गाइज, मेरा नेक्स्ट स्टेप है, देन आफ्टर गाइज हम इसके बाद पिक आर्ट एप्लीकेशन पे जाएंगे। तो गाइज, ये रहा मेरा पिक आर्ट एप्लीकेशन। इसके बाद गाइज, जो मैंने कैप्चर किया था इमेज को, उसे हम यहाँ पे ले आते हैं। देन आफ्टर स्टिकर में जाते हैं। स्टिकर में हम सर्च करते हैं गोकू, GOKU। तो आप देख पा रहे हो सेकेंड नंबर की जो है, इससे फिर आने के बाद हम इसे एडजस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो आप इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना, मैं आपको जल्दबाजी में दिखा रहा हूँ गाइज। तो एडजस्ट करने के बाद आप इसे सेव कर लेना। देन आफ्टर, दो एप्लीकेशन है इसके लिए, तो आप इस दोनों में से किसी ऐप को इंस्टॉल कर लो। मैं इससे आपको दिखा रहा हूँ। तो इसका जो इंटरफेस कुछ इस टाइप के होते हैं, फॉर यू में बहुत सारे फिल्टर शो करते हैं। ये जो हमारा जो है यही वाला है, इसे मैं क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ यूज टेम्पलेट है, यूज टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ सेकेंड नंबर पर जो पिक है इसे हम ओपन कर लेते हैं। तो गाइस, यही रहा, और आप देख पा रहे हो यहाँ पे ऑप्शन भी शो हो रही है। तो हम यहाँ से इसके स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं लाइट को, और इसे कम भी कर सकते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जैसे सेट करना है आप वैसा कर सकते हो। साथ में ही गाइज, यहाँ पे एक और ऑप्शन है, वह है आपके कलर को, ठीक है। आप चाहो तो इसके कलर को भी चेंज कर सकते हो। वेट, मैं दिखा रहा हूँ। तो गाइज, यहाँ से देख पा रहे हो कि कलर भी चेंज हो रहे हैं। तो आप इसे 1, 2, 3, 4 पे आप स्क्रॉल करके इसके कलर को भी आप चेंज कर सकते हो गाइज। नहीं, ये सब हो जाने के बाद आप अपने इसको आप सेव करके और आगे बढ़ लेना। तो फाइनली गाइज, ये देखो डाउनलोड हो रही है, तो हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए। देखो डाउनलोड भी हो गई, तो मैं अब जो मेरा एप्लीकेशन है काइने मास्टर, अब फिर वहाँ से जाते हैं। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो आप देखो। काइने मास्टर को ओपन करने के बाद हम उसी प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद वो जो मेरा साउंड है, उस साउंड को देना है। म्यूजिक को मैं यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज, फ्लैश वार्निंग की जो म्यूजिक है वो मुझे मिल गई है। तो इसे अपने अकॉर्डिंग क्या करना है, आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। मैं यहाँ से इसके फिल्टर को भी थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, बिकॉज मैं काला दिख रहा हूँ यार। तो मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया है। एंड देन क्या करना है कि हम जो वो एडिट किए थे उस फर्स्ट नंबर वाले को फिर से वहाँ पे ऐड कर लेना है। ऐड करने के बाद आप देखो, कर सकते हो गाइज। थैंक यू। तो गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ, तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना भाई।